हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, हम में से कोई नहीं जाना चाहता अस्पताल में, ना ही किसी सर्जरी टेबल पे कोई लेटना चाहता है, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा कारण है जिसके वजह से हमको सारी दिन हमको देखना पड़ता है किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा स्पेशल है। आज सुबह जब मैं पेशेंट देख रहा था और मैनुअल थेरेपी के बाद एक्यूप्रेशर चल रहा था, तो उन्होंने मेरे से एक बात शेयर की। बोले कि सर, मेरी ये जो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आज ग्रेड वन ग्रेड टू लेवल पे पहुंचा है, वो एक दिन में नहीं पहुंचा है, 5-6 साल लग गया इस सिलसिले को। और बीच बीच में मैं तो बड़े बड़े अच्छे ऑर्थोनीरो वालों को भी दिखाया, फिजियोथेरेपी भी कराया, कहीं से जब फायदा नहीं हुआ, किसी ने मुझे बोला पंजाब साइड में किसी जगह है, वहाँ पर जाके आप, एक बंदा है वो तेल का मालिश करता है और आपका हाथ से पूरा सेट कर देता है स्पाइन को और फिर सर्जरी वगैरह रुक जाता है। तो मैंने वहाँ गया, 4-5 दिन रह के वहाँ इलाज कराया। कराने के बाद मुझे बहुत लाभ हुआ, मगर 3-4 महीने के बाद मेरी जो पीड़ा है वो 10 गुना बढ़ गया और मैं आज के दिन में उठ के चलने के काबिल नहीं रहा। तो मैं उनके साथ जब बात करता रहा, एक चीज़ जहन में आया जो बहुत सालों से मेरे दिमाग में चलता रहा, वो है कि क्यों और कैसे ये चीज़ घटित होती है। इसलिए मैंने आज का जो वीडियो है, जो एपिसोड है, इसका जो टॉपिक का नाम ही ऐसे दिया हूँ कि आपके साथ एक घटना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में घटित होती है, वो है आपका सड़क छाप वैद्य जो लोग बैठे हैं और जो अपने आप को डॉक्टर बोल के इलाज करते हैं लोगों का, वो है झोला छाप डॉक्टर और सड़क छाप वैद्य। यानि ये दोनों जगह हमको नुकसान झेलना पड़ता है और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? कुछ तो अपने आप में प्रमोट हो रहे हैं और कुछों को प्रमोट किया जा रहा है। मैं जब आके दिल्ली नोएडा वगैरह में काम किया, मैंने यहाँ महसूस किया अपने इस 18-20 साल के दरमियान कि ये सड़क छाप लोगों को, झोले छाप लोगों को डॉक्टर बनाने में बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों का भी भूमिका है, इनकी भी बड़ी अवदान है। इनको पूरा संगठित किया जाता है, चाय पानी पिलाया जाता है, कमीशन दिया जाता है, उनका अगर लीगल प्रॉब्लम होता है उसको हैंडल किया जाता है और उनको गांव-गांव गली-गली बिठाया गया है कि पहले आप उनको बर्बाद करो, फिर हमारे एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल भेजो। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, नेशनल लेवल पर हो सकता है, हर जगह होता होगा, मेरी उतनी नॉलेज नहीं है और शहरों में क्या होती है। आप अगर इसमें नॉलेज हो जरूर कमेंट बॉक्स में आके डालें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सच्चाई से, ईमानदारी से मुंह खोलना पड़ेगा अगर हमको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ भारतवर्ष का अगर हमारा सपना है तो हमको लड़ना पड़ेगा और सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा। अगर मैं उस फील्ड का नहीं हूं, मैं भाई स्टेथो क्यों डालूं? अगर मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन का हूं, मैं मेडिसिन के बिना इलाज करना जानता हूं, मैं उसमें मास्टर बनूं ना भाई? मोची हो तो बेस्ट मोची बनो, बेस्ट वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जूता सिलाई करके आप दुनिया वालों को दो। आप कोशिश मत करो ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर को अपना काम करने दो। मगर आज जो लोग, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने लोगों को क्या इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या दवाई दे रहे हैं, किस तरीके से गरीब लोगों को चूस रहे हैं और उसके बाद लेके फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डाल रहे हैं, आप और हम सोच नहीं सकते। सुबह का जो टॉपिक था, उन्होंने कौन सा वो ऑयल लगाता है, कैसे वो लोगों को अच्छा करता है। एक 2003 में एक पेशेंट मैंने देखा था माइग्रेन का, कोई जंगल आदिवासी इलाका है, वहाँ पे 300-400 लोग लाइन में वहाँ जाके रहते हैं और उनको दवाई देता है वो, जिससे माइग्रेन ठीक हो जाती है। दोस्तों, उस जमाने में मैंने उसका दिया हुआ दवाई को लेके साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में, उसको टेस्ट सेंटर में दिया और लास्ट में क्या रिजल्ट आया पता है? भयंकर ढंग से उसमें स्टीरॉयड मिलाया गया था
ऑयल में भी स्टेरॉइड मिलाया जा रहा है, दवाई में भी स्टेरॉइड मिलाया जा रहा है और टेम्पररी हमको आराम मिल जा रही है। फर्ज करो मेरा नी आर्थराइटिस है, जॉइंट में उसने दिया तेल लगाओ और ये खाओ, तेल में भी स्टेरॉइड और आपका दवाई में भी स्टेरॉइड, तो आपको टेम्पररी यार अफीम का नशा, तो आपको लगा कि भाई मेरी घुटने ठीक हो गई, आपको लगा मेरी दर्द गायब हो गई, मगर धीरे धीरे वो आपको खोखला करते गया और किडनी का सत्यानाश। ऐसे हो सकता है लाखों लोग इससे प्रभावित होते होंगे, लाखों लोग की किडनी जाती होगी, लिवर खराब होता होगा, जॉइंट खराब होता होगा, हार्ट खराब होता होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली ये इसका कोई। दोस्तों स्टीरॉइड के नाम से रूह काम जाती है, क्योंकि सबको पता है ये एक तरह का नशा यानी अफीम वगैरह को प्यूरीफाइड करके इस तरीके का चीज़ें बनाया जाता है, जिसको आयुर्वेद के नाम से लोगों को मिसगाइड करके स्टीरॉइड डाल के पेन किलर के तरह यूज किया जाता है। अच्छा हमने फलाने डॉक्टर से या फलाने मेडिसिन स्टोर से या फलाने कंपनी का या बिना कंपनी बिना नाम बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोग बेच रहे हैं धड़ाले से, और ख़ास करके ऐसे झोले छाप जो हैं जो बैठे हैं गली गली, उनके पास तो कोई कंपनी ही नहीं है, बिना कंपनी के अपने झोले से निकाले और कुछ भी पकड़ा दिए, कुछ भी पैसे ले लिए और आप इस तरीके से बुरी हालत में फंसते हो, सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक आंटी आती थी पिछले साल नी आर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए, डॉक्टर ने सर्जरी बोला था तो हमने एक प्रयास कर रहे थे, इन बिटवीन थोड़ा उनको अच्छा लगा तो वो फिर जैसा वो सबके साथ होता है फिर ट्रीटमेंट बंद कर दे, दर्द नहीं है तो फिर ट्रीटमेंट क्या करना है। ऐसे होके उन्होंने एक बार मॉल वगैरह घूमने गए थे, वहाँ घूमते हुए उनके पीछे पीछे एक बंदा दौड़ के आया, नौजवान, बोला आंटी आंटी, इन्होंने पीछे मुड़ के बोले ना मुझे आपको एक बात बतानी है। ये स्टोरी मुझे वो पेशेंट ने बाद में 2018 में शेयर किए जब बहुत बुरी हालत हो गई और हमारे पास दोबारा आए, कि मेरे पापा को भी यही प्रॉब्लम थी और एक हकीम ने वो प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दिया और वो उनका सर्जरी रुक गई। तो हमारा, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे वीकनेस का ही तो फायदा उठाया जा रहा है। अरे क्या जरूरत है, तुम मॉल घूमने गए हो, मॉल घूमो और रिटर्न आओ, तुम्हारे पीछे कोई अगर आ गया उसको अवॉइड करो। कौन आज के दिन में मेटलिस्टिक लाइफ में कोई किसी का दौड़ दौड़ के सेवा करने के लिए वो भी मॉल में दौड़ेगा तुम्हारे पीछे? उसने अपना वो कार्ड दे दिया, बोला कि अब अगर चाहोगे तो मेरे फादर अच्छे हो गए, आप भी अच्छे हो जाओगे, ये कार्ड लीजिए। कार्ड लिए, इन्होंने रात को फ़ोन घुमाए, जो मरे तो क्या करे, जहाँ भी जो भी रास्ता मिल जाता है, हम लोग जैसे डूबते हुए आदमी को तिलका मिल गया तो उसको पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो उन्होंने फ़ोन किया, उसने फिर उनके घर आ गया बंदा, बोला मैं आपको ठीक कर दूंगा। 8 दिन में लगभग 30-40 हज़ार रुपया ले लिया और घुटने में वो क्या एक सिंग होता है उसमें उससे होल करके नी से पूरी, बोला इससे मैं सारी जो खून है जो जहर है जो टॉक्सिन्स है जितना यहाँ पे खराबी है सब बाहर निकाल के फेंक दूंगा और आपका घुटना हो जाएगा एकदम नीट एंड क्लीन, ये कोई वॉशिंग मशीन है? उसने लगाया और 8 दिन तक ब्लड निकालता रहा, ब्लड के साथ साथ हर चीज़ जितना चीज़ घुटने में अवेलेबल थी उनके और बचा कुचा वो सारा उसने चूस के बाहर निकाल दिया। 1 महीने के अंदर बेड में आ गए और चलना घूमना बंद हो गया, पूरा बो शेप में पैर घूम गया। फिर जो भी हो हमारे पास आए और ये बातें सारी शेयर किए, तो मैं उनको बोला यार आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको कैसे झांसे में लोग ले गए? दोस्तों पढ़े लिखे लोगों को ही तो ये लोग ज़्यादा चश्मा पहनाते हैं, ज़्यादा झांसे में लेते हैं और हम अपने आप को ज़्यादा चालाक सोचते हैं, उसी का नाजायज फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। कभी भी दोस्तों रास्ते घाट में इस तरीके की घटना अगर आपके साथ होती है, कोई भी अपरिचित जिसको आप जानते नहीं हो इस तरीके का ऑफर आपको करता है, कोई कार्ड के माध्यम से कोई लिख के दिया या कोई बोलता है यहाँ चले जाओ ठीक हो जाएगा, हम जैसे होता है आपस में फ्रेंडली बातें करके हमको मोटिवेट करते हैं, नहीं दोस्तों, ऐसे जगह पे ऐसे लोगों से अगर नहीं बचोगे और ख़राब होते जाएगा। मैं हर डॉक्टर को बुरा नहीं बोलता हूँ, हर हॉस्पिटल को बुरा नहीं बोलता हूँ, हमने भी कई अस्पताल में काम करके आए हैं, बहुत सारे जगह पे आज भी 40-45% एथिक्स बची हुई है, एथिकली काम होती है, ऐसा नहीं कि सारा एक्सप्लोइटेशन होती है। तो कम से कम सही डॉक्टर को दिखाना, सही एक्सरे करना, सही MRI करना, सही जांच पड़ताल करते हुए अपना दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करके आप दवा पानी खाओ जब तक
ये चीजें आप मूव करा सकते हो, मैनेज कर सकते हो। मेरी याद आ रही है एक किताब, मैं उन डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक किताब लिखे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी का सर्जरी किए थे, डॉक्टर चितरंजन रनावत उनके स्टूडेंट हैं। उन्होंने बोलते हैं कि जब तक आपका इतनी बुरी हालत ना हो जाए कि 6-6 महीना आप उठ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, 5-6 उसमें उन्होंने कारण लिखे हैं, तब तक आप अपनी सर्जरी ना कराओ। इसलिए आप भी पूरी कोशिश करो नेचुरल तरीके से अपने आप को फिट रखने के लिए, ना कोई जादू टोना, ये यहाँ पे फलाना वैद्य बैठा है, वो वहाँ पे वो बैठा है, जो जहाँ बोला हम लोग ट्रायल करना शुरू कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, पहला ट्रायल आप अपने अंदर करो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, अपने किचन में जो सामान है, अपने पास जो अवेलेबल है, जो गाइडलाइन है, ऐसा नहीं कि अरे अरबों खरबों यूट्यूब में चीज़ें पड़ी हुई है, मैं तो हैरान होता हूँ उस दुनिया के अंदर घुस के, मैं उस दुनिया में घुस के हैरान होता हूँ कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाले भी आपको आयुर्वेद में घुटने का इलाज बता रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले भी आपको हार्ट कैसा अच्छा रहेगा उस पर एपिसोड चला रहे हैं और लाखों करोड़ लोग आप उसको देख रहे हो। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिक चीज़ें देखा करिए, अब क्वालिटी ढूंढो कि कौन अच्छा ऑथेंटिक और क्वालिटी चीज़ें आपको दे रहा है। कार्डियक प्रॉब्लम के ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट उसको डालते हैं अपना टाइम निकाल के, उसको प्लीज़ देखो। ऑर्थो वाले अगर घुटने के बारे में कुछ बातें बोलते हैं उसको आप देखो, नीरो वाले अपनी अगर कोई एपिसोड बना के डालते हैं प्लीज़ उसको देखो, फिजियोथेरापिस्ट अपना एक्सरसाइज डालते हैं उसको देखो, एक्यूपंक्चरिस्ट अपना डालता है उसको देखो, अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो प्रैक्टिस करता है उसको देखो, जो जिस फील्ड का मास्टर है वो जो बोलता है उस पर आप ध्यान दो, उसी को देखो, ना कि कोई भी आया इंटरनेट से उठाया और 4 लाइन पढ़ा 8 लाइन पढ़ा और हम उसको देख के घर में शुरू हो गए कि एक रात में चूना लगा और आपका चेहरा हो गया गोरा। क्या इतना दिमाग हमारे पास नहीं है कि एक रात में चूना लगाने से, कॉलगेट लगाने से कोई गोरा हो जाता है? फलाना चीज लगा दो सिर में बाल हो जाएगी 4 फीट लंबा, देख रहे हो क्या ना 10 मिलियन लोग? शर्म आनी चाहिए। ज्ञान कुछ है या नहीं है मस्तिष्क के अंदर, भगवान ने इतना बड़ा भेजा दिया है, इसका इस्तेमाल क्यों हम लोग नहीं करते हैं? आज मैं दोस्तों बहुत सोच समझ के इस एपिसोड को बना रहा हूँ कि कम से कम मेरे बातों से अगर 10 लोग भी समझ लें और इसको इम्प्लीमेंट करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जीवन में एक पौधा जरूर लगाओ, एक दुखी दरिद्र का जो प्रॉब्लम है उसको जरूर सॉल्व करो तो आपका जीवन धन्य हो गया। तो प्लीज़ यूटिलाइज योर वैल्यूबल ब्रेन विथ लॉजिक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, व्हाट्स द साइंस, व्हाट्स द आर्टिस्टिक वे, व्हाट्स द लाइफ साइंस, व्हाट इज लाइफ मैनेजमेंट, व्हाट इज पेन मैनेजमेंट, अगर आप थोड़ा एजुकेटेड हो इसको पढ़ना शुरू करो, इसको जानना शुरू करो, यूट्यूब में छान लो ना भाई ये नीरो में 10 लोगों से ये बेस्ट है उसका देखना शुरू करो, ये ऑर्थो में 10 लोगों से ये बेस्ट है उसका देखना शुरू करो, ये होम्योपैथी में बेस्ट है उसका देखना। मैंने देख रहा हूँ इतना मेहनत करके लोग ने इतनी बेहतरीन वीडियो सब डालते हैं, मैं उसको पर्सनली सब्सक्राइब करता हूँ और मैं सुनता हूँ, उसे नॉलेज लेता हूँ। तो इसलिए झोले छाप यानी जो फील्ड का वो नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अगर एक नीरो का डॉक्टर अगर हार्ट का मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है तो उसको भी झोले छाप ही कहा जाएगा, यानी अपने फील्ड से हटके दूसरे के फील्ड में इंटरफेयर करना और एडवाइस करना ये भी गलत है। अगर एक ऑर्थोपेडिशियन बैठा है अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट का काम करने की कोशिश करता है वो भी गलत है। अगर मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के फील्ड में हूँ, मैं अगर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के जगह जाके होम्योपैथी मेडिसिन लिखना शुरू करता हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखना शुरू करता हूँ, एलोपैथिक लिखना शुरू करता हूँ, प्योरली इलीगल है, प्योरली इलीगल, आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस। तो दोस्तों जो भी जहां हो जो सुन रहे हो मेरी इस बात को, अगर ऐसा कोई भी कर्म करते हो, आप अगर होम्योपैथी के हो, एलोपैथी प्रैक्टिस करते हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी प्रैक्टिस करते हो, या फिर सर्जन बल के अपने आप को कहते हो, प्लीज ऐसा काम मत किया करो। कहते हैं लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसा धांधली काम कर रहे हैं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोग देख रहे हो मुझे दोस्त मानो, जीवन बहुत बड़ी जगह है, बहुत ऊंची जगह है,
आप जो हो उसी को बड़ा करो ना, दूसरे के चीज काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो, दूसरे के काम को डिस्टर्ब मत कर। तो मैं उसी टॉपिक पे फिर से जाता हूं, दोस्तों कहीं भी सुनते हो इस तरीके से, कहीं रोड में, कहीं कोई बाजार में, किसी गांव में फलाना आदमी बैठा है, फलाना कर लेता है, जादू के तरह उससे दर्द चली जाती है, प्लीज जाने को मैं मना नहीं कर रहा हूं, जाते हो तो उसका दिया हुआ दवाई को जरूर लेके जांच करवाओ, उसका लगाया हुआ तेल को उससे मांग के लो, बोलो कि भैया तेल थोड़ा दे मैं लेके जांच करवाती। अगर आपको साइंटिफिकली लगता है टेस्ट के बाद कि सब कुछ ठीक है तो उस जगह पे जाइए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ खिलवाड़पन कर रहे हो और इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान होना तय है। तो ये था एक छोटी सी टॉपिक, छोटी सी जानकारी दोस्तों, जिससे कि आप अपने आप को बचा सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न मेडिकल के जो लोग बैठे हैं उन्हीं से हम लोग एक्सप्लॉयटेड होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन अपनी एथिकल वैल्यू से नीचे चले जाना ही एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट करता है। अगर मैं अपनी फीस ले रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, और आप अगर मेरे पे भरोसा करके आते हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आप और मेरे बीच में तालमेल बने। कल को कल जो बच्चे मेरे से भी सीख रहे हैं और मैं उनको कहता हूँ ऑथेंटिक तरीके से, आप कहीं बैठो अपना प्रैक्टिस करो, जो जानते हो उतना ही आप बोलो ना, उससे ज़्यादा बोलने को प्रयास क्यों कर रहे हो भाई। अर्थो वाले की अपनी नॉलेज है, नीरो वाले की अपनी नॉलेज है, फिजियोथेरापिस्ट की अपनी नॉलेज है, आयुर्वेद वाले की अपनी है, होम्योपैथी वाले की अपनी है, मेरी अपनी है, मैं क्यों बोलूं कि मैं सारा कुछ जानता हूं। नॉट पॉसिबल कि एक आदमी सब कुछ जानता है और बाकी लोग कुछ नहीं जानते हैं, सब अपना जानते हैं। हम तो सबको कहते हैं आपके अंदर का जितनी अच्छाई है, आपके अंदर जितनी टेक्निकलिटी है, उसका अगर आपने 50-60% भी समाज को दोगे बिना एक्सप्लॉयटेशन के, तो समाज की भी कल्याण होगी, आपकी भी दोस्तों कल्याण होगी, क्योंकि आप भी तो इंसान हो, चाहे डॉक्टर हो मगर इंसान तो हो ना। आपके अंदर भी हार्ट है, आपके अंदर भी लंग्स है, आपके अंदर भी किडनी है, आपके अंदर भी लीवर है, आपकी भी जॉइंट्स हैं, आपके भी मांसपेशी हैं, आपका भी ब्रेन है। अगर कल को आपको कैंसर हो जाता है, आपकी किडनी फेल हो जाती है, आपको हार्ट स्ट्रोक हो जाती है, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। वो दिन आने तक इंतजार ना करो, एथिकल वैल्यू के साथ काम करो, जो जानते हो उतना ही बताया जाए, और अपनी औकात से कभी आगे नहीं जानी चाहिए। ये मेरे गुरुजी मुझे सिखाए, मैं जो हूँ मैं वहीं रहूँगा, उसी को चार चांद लगाऊंगा, उसी को सबके घर घर तक पहुँचाऊंगा, ये प्रयास मैं कर रहा हूँ और सबको आह्वान वही दे रहा हूँ कि दोस्तों अपने औकात को हमेशा पहचानना चाहिए, अपनी जितनी नॉलेज है उसको पहचाननी चाहिए, उतना ही डिलीवर करनी चाहिए। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूं कि हम कहीं भी जाते हैं, चाहे मॉडर्न मेडिकल जाएं या इस झोले छापों के पास, कई बार आपको जाने का अगर नौबत आ भी जाती है, प्लीज़ उनको चेक करिए कि वो क्या कर रहे हैं। और आपको भी अगर मौका मिलता है कहीं ऐसा घटना घटित हो रही है तो प्लीज़ उनको वहाँ रिस्ट्रिक्टेड करिए, उनको लेके आइन के हवाले करिए कि ये चीज़ हमारे शहर में, हमारे अंचल में, हमारे गांव में घटित हो रहा है, इसको हमको बंद करनी है, मगर उसके पहले पूरी जांच कर लिया जाए। तो दोस्तों जरूर पानी सफिशेंट पिए, खाना टाइम में खाएं, जंक फूड ना खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बेफालतू का टेंशन मत लें, सच्चाई ईमानदारी का जिंदगी जिए, तभी बटन खोल के जी सकते हो। और अपनी जो भाव है, अपनी जो नॉलेज है, जरूर सबके साथ शेयर करें और अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने रिलीजन के मुताबिक अपना जो भावना है उसको उसी के अंदर स्थिर करके रखें और उसका इस्तेमाल करें, जिसके वजह से उसका स्पिरिचुअल फायदा आपको हो और आपका ग्रोथ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद और जय भारत।